दोस्तों, हमारी दुनिया में पेड़ पौधों का बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं जो अपनी किसी ना किसी खासियत या फिर कमी के वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन हम आपको दुनिया के 5 ऐसे अनोखे पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीन मानिए आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, ड्रैगन ट्री। इस प्रजाति की पेड़ अपने अनोखे बनावट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस पेड़ को अगर दूर से देखा जाए तो छतरी की तरह दिखाई देती है। इसकी किनारे पे छोटे छोटे खूबसूरत पत्ते निकलती है जो कि बाद में एक छतरी का रूप ले लेता है। आमतौर पे ये यमन देश की सकोटरा द्वीप में पाए जाते हैं। लेकिन इसकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये पेड़ को काटा जाता है तो इनमें से इंसान की खून जैसा पदार्थ निकलता है। नंबर 2, बाबाबो ट्री। अजीब सा देखने वाला ये पेड़ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर में पाए जाते हैं। इस पेड़ को देखने में बिल्कुल किसी उल्टे पेड़ की तरह दिखाई देती है, जिन्हें पहली नजर में देखने पर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन पेड़ों की जड़ें ऊपर उड़ रहे। इनकी ऊंचाई 75 फीट है, जबकि इसकी एज की बात करें तो करीब 1000 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, इस पेड़ की एक हैरानी की बात करें तो यह पेड़ जीवित रहने के लिए अपने तने के अंदर करीब 1,00,000 लीटर पानी स्टोर कर सकती है। नंबर 3, रेनबो यूकलिप्टस। दोस्तों, आपने लाइफ में बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन इस तरह के रंग बिरंगे पेड़ नहीं देखे होंगे, जिसको कलरफुल ट्री नाम से भी जाना जाता है। फिलीपींस में पाए जाने वाला इस पेड़ की लंबाई 250 फीट तक होती है। इसके अलावा न्यू गिनी और इंडोनेशिया में ये पेड़ बहुत सारे मिलती है। नंबर 4, सैंडोबॉक्स ट्री। दोस्तों, ये पेड़ देखने में बेहद ही खतरनाक है। 60 मीटर लंबाई वाले इस पेड़ में दूध जैसा लिक्विड रस निकलता है जो बेहद जहरीला होता है, और इनसे भी ज़्यादा खतरनाक होता है इस पेड़ पर लगे हुए कांटे। अगर कोई इंसान या जानवर इसे छूने की कोशिश करता है तो इनमें से लगे कांटे उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। तो दोस्तों, आखिर में नंबर 5 पे द डेट वैली ट्री। अफ्रीका का छोटा सा देश नामीबिया में स्थित डेट वैली ये जगह करीब 700 साल से बंजर पड़ी है। इसमें ना कोई जानवर रहती है और ना कोई इंसान, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रजाति पाया जाता है जिसका नाम है द डेट वैली ट्री। एक हैरानी की बात करें तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से विरम होने के बाद भी यह इस प्रजाति के कई सारे पेड़ पाए जाते हैं। इसे देखने के लिए दुनिया से बहुत सारे फोटोग्राफर यहाँ पर आती है फोटोग्राफी करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।